बांग्लादेश में इस वक्त जो भी हालात बने हुए हैं उनके पीछे दो बेगमों यानी कि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच बगावत की कहानी है और इसी कहानी की वजह से ही बांग्लादेश की सड़कें अराजकता की आग से धधक रही हैं। पुरानी अदावत, वर्चस्व की जंग, दबदबे की होड़ और हिंसा की आग में धधकता बांग्लादेश। एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बांग्लादेश में अक्षरशः यही कहावत चरितार्थ हो रही है क्योंकि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच अदावत, वर्चस्व और दबदबे की होड़ ने देखते ही देखते हैप्पी इंडेक्स वाले बांग्लादेश को बगावत की आग में झोंक दिया। आखिर क्यों दो बेगमों की सियासी जंग में फंसे बांग्लादेश में ये उबाल आया, इसे समझने के लिए हमें शेख हसीना और खालिदा जिया के कद और कहानी को समझना होगा। दरअसल ये दोनों बांग्लादेश की राजनीति के दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेश अवामी लीग के शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं दोनों कद्दावर नेताओं के बीच झूलती है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बंगबंधु कहे जाने वाले पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जबकि खालिदा जिया पूर्व सैन्य अधिकारी और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम है। दोनों रसूखदार परिवारों से हैं और अपने अपने परिवारों की सियासत को आगे बढ़ा रही है। राजनीति में एंट्री की बात करें तो खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों की एंट्री एक बड़ी त्रासदी के बाद। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी का श्रेय दिया जाता है, उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में उनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने अंजाम दिया था। इसमें शेख मुजीब के साथ उनकी पत्नी और तीन बेटे भी मारे गए थे। केवल शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना ही बची थी, जो उस वक्त देश से बाहर थी। कुछ ऐसी ही कहानी खालिदा जिया के साथ भी जुड़ी। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आजादी संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्होंने देश का शासन संभाला। वे 1977 में राष्ट्रपति बने और चार साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्ता पलट में हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया दोनों साथ आई और जीत भी हासिल की, लेकिन इरशाद के हटने के बाद वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बांग्लादेश के पहले सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया जब 1991 में पहली बार सत्ता में आई तो उनके ऊपर शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगा। बाद में जब हसीना की सरकार आई तो उनके ऊपर भी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई का आरोप लगा। इस लड़ाई में आखिरकार खालिदा जिया को जेल जाना पड़ा, जिसका असर बांग्लादेश के सियासत में ये हुआ कि खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच राजनीतिक उठापटक को बैटल ऑफ बेगम कहा जाने लगा और यही तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में खालिदा जिया की भी भूमिका बताई जा रही है। बांग्लादेश के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी नया हो सकता है। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता वाले इन्हीं हालात के बीच चीन के सामने एक नई चुनौती आ चुकी है और वो ये कि अगर बांग्लादेश में हालात ऐसे ही रहे तो चीन अपना कर्ज कैसे वसूलेगा।
बांग्लादेश से कैसे कर्ज वसूलेगा चीन। क्या बांग्लादेश में कोई नया दांव खेलेंगे जिन पे? क्या होगी बांग्लादेश पर चीन की रणनीति? जिस चीन ने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है, वो चीन इस वक्त बेहद परेशान है। और चीन की परेशानी की वजह है बांग्लादेश से आने वाली ये तस्वीर। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात में ऐसी अस्थिरता आई है कि कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि शी जिनपिंग की नजरें इस वक्त बांग्लादेश से जुड़े एक एक घटनाक्रम पर टिकी हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ज की लत लगाने वाले चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बांग्लादेश में हालात जल्द नहीं सुधरे तो वो अपने अरबों का कर्ज कैसे वसूलेगा। शेख हसीना से चीन के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन चीन ने खालिदा जिया के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है। 2016 में शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जिसमें से बांग्लादेश को चीन के हिस्से के 125 बिलियन डॉलर हर साल चुकाने होते हैं। चीन बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है और साल 2023 के अंत तक बांग्लादेश पर चीन का 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज बकाया था। जुलाई 2024 में ही शेख हसीना 4 दिन के लिए चीन दौरे पर गई थी और चीन से अतिरिक्त 5 बिलियन डॉलर के कर्ज की मांग की थी, लेकिन चीन ने महज 140 मिलियन डॉलर देने का ऑफर दिया था। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त शेख हसीना जिनपिंग के साथ एक बड़ी मीटिंग करना चाहती थी, लेकिन शेख हसीना को वो मौका भी शी जिनपिंग ने नहीं दिया, लिहाजा वो अपना दौरा बीच में ही छोड़कर ढाका वापस लौट आई थी। लेकिन अब शेख हसीना सरकार सत्ता में नहीं है, बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बांग्लादेश से बकाया कर्ज कैसे वसूलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कुल 165 छोटे और जरूरतमंद देशों को 20,000 प्रोजेक्ट के लिए 1.34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दिया हुआ है, लेकिन चीन की गिद्ध दृष्टि के सामने इस वक्त वो बांग्लादेश घूम रहा है, जहां राजनीतिक हालात पल पल बदल रहे, जहां चुनौतियां लगातार बड़ी होती जा रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें सामने आ रही। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আমার ভাই একজন ডাক্তার ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে, এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাই চুরিরা কিচ্ছু রাখে নাই, আমার কাকাকে খুঁজতেছিল আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নির্ভয় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন খাবার জলের জগ।